Hi friends, this is Dr. Prabha Singh. I am aesthetic physician and founder of Dr. Prabha's Glow Aesthetic Clinic. प्रीमेच्योर ग्रेइंग या समय से पहले सफ़ेद होते हुए बाल अक्सर हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्या है कारण प्रीमेच्योर ग्रेइंग के और क्या है उसका समाधान। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या असमय सफ़ेद होते बाल, समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि राइट टाइम क्या है बालों के सफ़ेद होने का। तो यूजुअली जो हम कट ऑफ लेते हैं वो 35 से 40 ईयर्स का लेते हैं। ये माना जाता है कि 35 साल और 40 साल की उम्र में हम सबके बाल सफ़ेद होते हैं, जो एक प्राकृतिक चीज़ है। इसमें जेनेटिक जो फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव हैं जिनके बाल 50 साल के एज में भी सारे काले हैं। तो ज़्यादातर 90-99% लोगों के बाल 35 की उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपके कम एज में, यानी कि 18 से 20 साल की उम्र से ही आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं, या अभी आप लेस देन 35 हैं और आपके काफ़ी बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या असमय बालों का सफ़ेद होना कहेंगे। अब आता है कि क्या कारण है। अगर आप देखेंगे तो इन जनरल हमारी जनरेशन में प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके पीछे जो बेसिक रीजंस हैं वो पोल्यूशन है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से अननेसेसरी यूवी रेज एक्सपोजर हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी हमारा जो हॉर्मोन्स हैं और डीएनए डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से जो मेलानिन है बालों का वो डिप्लीशन शुरू हो जाता है। और इसके सिवा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा हमारा अपना जो पर्सनल लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, या हमारा जो फूड है उसमें फ़ास्ट फूड ज़्यादा है, नेचुरल फूड कम है, और स्लीप हमारी कम हो गई है, स्लीप आर्ट्स अगर आपके सफिशिएंट नहीं हैं, तो भी आपकी बॉडी के केमिकल्स और हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और जिनके कारण हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एज़ यूज़ुअल आप सबको पता है कि हेल्दी डाइट लेना चाहिए, कोशिश करके सोने जागने का टाइम एक नियत रखें और सफिशिएंट स्लीप लीजिए। अभी कुछ ऐसे शैम्पू और हेयर कंडीशनर भी आ गए हैं जिसमें यूवी एक्सपोजर से बचने के लिए भी मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और कोशिश करके बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगहों पर ना जाएँ। ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आपका डे टाइम में एक्सपोज़र हो ही रहा है या आपका इंडोर काम है, आपको नेचुरल ऑक्सीजन और ये नहीं मिल पा रही है, तो मॉर्निंग में आधा घंटा या 45 मिनट आप किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और प्राणायाम वगैरह कर सकें, जिससे आपको सफिशेंट ऑक्सीजन मिल जाए। नाउ कमिंग टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट, अगर ये ऐसा हो गया है तो इसमें मेलिटेन नाम का एक जो मॉलिक्यूल है, इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी वेरी इफेक्टिव इन रिवर्सल ऑफ प्रीमेच्योर ग्रेइंग। मेलिटेन एक अल्फा एमएसएच बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रिकर्सर होता है, जो आपका मेलानिन बनने की जो क्षमता है, जो बालों की जड़ों में जो मेलानोसाइट कोशिकाएं होती हैं जहाँ से मेलानिन बनता है और बालों का रंग आता है, उसके बनने को ये सपोर्ट करता है, उसको बढ़ाता है, और साथ के साथ यूवी रेस के जो डैमेज से डीएनए डैमेज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। तो मेलिटिन हमारा लोशन के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। कुछ ब्रांड नेम्स जैसे कर्ल्सविट लोशन है, एल्ट्रिस जेल है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं रेगुलर, और ये देखा गया है कि 1 से 3 महीने के प्रयोग से एडवांटेज आया है। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उसमें पाबा का बहुत अच्छा रोल है, पाबा यानी कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो ये इसका प्रयोग अगर आप 12 ग्राम से 20 ग्राम तक डेली कर रहे हैं तो ये देखा गया है कि 80-82% लोगों में 2 से 3 महीने के अंदर ही जो ग्रेइंग थी वो चेक हो गई है और रिवर्सल भी हुआ है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ कैप्सूल्स आते हैं कैल्शियम पेंटोथेनेट का प्रयोग भी काले करने के लिए बालों को वापस बहुत सपोर्टिव हुआ है। उसकी डोज़ भी आप मान के चलिए कि 200 मिलीग्राम पर डे लेने से आपको एडवांटेज मिलेगा। तो लेकिन ये देखा गया है रिसर्चेस में कि अगर आप इनका नियमित इस्तेमाल करते रहते हैं तब तो फ़ायदा होता है, अगर आप इसको 1 महीना 2 महीना लेकर के बंद कर देंगे तो वो वापस आपका जो एडवांटेज था वो वापस नलीफाई हो जाएगा। और अपने लाइफस्टाइल को तो ठीक रखना जरूरी है ही, और खान पान में भी कोशिश करिए कि नट्स, सीड्स, वॉलनट इन सब का रेगुलर प्रयोग करते रहें, और ये आप करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा। कहावत है कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास जीवन का अनुभव आया है और उम्र के
प्रोपोर्शन में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब कि 45-50 की उम्र में हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उम्र से पहले आप 20-22 साल की उम्र के हैं और अभी आपने लाइफ शुरू ही की है और आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो परेशान मत होइए। इन चीज़ों का समाधान का प्रयोग करिए जो मैंने आपको बताया है। और इसके साथ में ट्रू रूट्स जैसे एक नाम का लोशन भी आया है, हेयर टॉनिक, उसको भी आप अमेज़ॉन या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं और इससे बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं और PRP ट्रीटमेंट या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट से भी सपोर्ट मिलता है बालों की ग्रोथ में और साथ के साथ बालों के नरिशमेंट में भी। तो शायद ये सब ट्रीटमेंट आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो परेशान मत होइए और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को आप ट्रीट करवा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।